हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार, स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, आईआर से। नाम आप यहां पर देख रहे होंगे टॉपिक का, म्यांमार में तनाव को लेकर आसियान की बैठक। ठीक है, हाल ही में आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया और इसी के सिलसिले में आज की चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो बैठक है, यह बैठक किस तरीके से, किस लिहाज से महत्वपूर्ण है और म्यांमार में जो वर्तमान में स्थिति है, यह स्थिति क्या कुछ कहती है और भारत का म्यांमार के साथ में जो वर्तमान में संबंध है, इस संदर्भ में भी हम आज की चर्चा में बातचीत करेंगे, विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर शेयर किया है, व्हाई इज आसियान होल्डिंग अ स्पेशल मीटिंग ऑन म्यांमार। है ना, स्पेशल मीटिंग का आयोजन किया गया किनके, तो आसियान के विदेश मंत्रियों के। क्लियर, आइए शुरुआत करते हैं, इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखो, यहाँ पर शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि यह जो विषय है, चूंकि आईआर से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, तो इसलिए यह यूपीएससी आईएएस मेंस के किस पाठ्यक्रम से जुड़ा रहेगा, तो जीएस के पेपर 2 से जुड़ा रहेगा। क्लियर, अब हम आगे बात करते हैं कि भाई म्यांमार और आसियान का जो यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है कि म्यांमार को लेकर करके आसियान इतना चिंतित क्यों है, क्यों आसियान एक विशेष बैठक का आयोजन कर रहा है, तो इसका बहुत ही सीधा सा आंसर ये है दोस्तों कि आसियान का एक सदस्य देश है म्यांमार। ठीक है, तो सदस्य देश है तो क्या उसके लिए अलग से बैठक क्यों की जाए, है ना, क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी, तो यहाँ पर इसका उत्तर फिर से है कि म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को क्या हुआ था, तो मिलिट्री कू हुआ था, सैन्य तख्तापलट हुआ था म्यांमार में और वहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था, उस लोकतांत्रिक सरकार को स्थानांतरित करके, हटा के, और फिर जो सैन्य शासन के तौर पर एक नई सरकार की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 2021 को। तो 18 माह से म्यांमार में सैन्य शासन की स्थिति चल रही है और ऐसे में चूंकि म्यांमार आसियान का एक सदस्य देश है और इस कंटेक्स्ट में आसियान की यह जिम्मेदारी बनती है, आसियान यह सोचता है कि यदि हम म्यांमार के कंटेक्स्ट में, म्यांमार की जो जनता है इनके मानवाधिकार की रक्षा के कॉन्टेक्स्ट में हम यदि कोई कदम नहीं उठाएंगे तो एक संगठन के तौर पर ये हमारी विफलता होगी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक मंच पर हम कहीं पर भी यह बात बता नहीं पाएंगे या हम समझा नहीं पाएंगे कि आखिर म्यांमार में इस तरीके की स्थिति क्यों पनपी। क्लियर, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ा इसमें और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो बैठक आयोजित की गई विदेश मंत्रियों की, इसमें क्या कुछ कहा गया और म्यांमार में जो वर्तमान में स्थिति है, इस सारे संदर्भ में क्या क्या आयाम यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। देखो, अप्रैल 2021 में आसियान के साथ 5 सूत्री सहमति की बात की गई थी म्यांमार की, है ना, और इस सहमति पर म्यांमार में कोई खास काम नहीं किया। ये 5 सूत्री जो सहमति थी, 5-point consensus जो था, यह क्या था, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बता दूं तो आप इसको और विस्तार से समझ पाएंगे। पहली बात तो इसमें यह कही गई थी कि जो हिंसा फैलाई जा रही है उस हिंसा को समाप्त किया जाए, है ना, हिंसा को समाप्त किया जाए। ये हिंसा किसके द्वारा फैलाई जा रही थी, ये हिंसा मिलिट्री शासन के द्वारा की जा रही थी और वर्तमान में भी की जा रही है, ऐसा नहीं है कि वह हिंसा समाप्त हो गई। आज भी न जाने कितने म्यांमार के नागरिकों को, निर्दोष और सामान्य नागरिकों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको लंबे समय तक जेल में बंद रखा जाता है और कई जगहों पर हिंसक कार्रवाइयां की जा रही हैं इस सैन्य शासन के द्वारा और इसी कारण से चिंता और अधिक उभर जाती है। तो पहली बात तो ये कही गई थी कि भाई हिंसा जो की जा रही है, हिंसा को समाप्त किया जाए। दूसरा ये है कि सभी पक्षकारों के साथ बातचीत की जाए, है ना, सभी पक्षकार जो हैं म्यांमार में उनके साथ मिल बैठ कर करके बातचीत की जाए। ठीक है, इनमें जो लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक हैं वो भी शामिल हों और साथ में जो सैन्य शासन के नेतृत्वकर्ता हैं वो भी शामिल हों और आसियान देशों की तरफ से भी जो लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो सभी पक्षकारों के साथ
वार्ता हो। तीसरी बात यह कही गई कि मानवीय सहायता पहुंचाई जाए, किसके द्वारा, तो आसियान के द्वारा पहुंचाई जाए। चौथी बात यह की गई कि एक विशेष दूत की नियुक्ति हो, विशेष दूत की नियुक्ति आसियान के द्वारा। और पांचवी बात यह की गई थी कि वह जो विशेष दूत होगा उसके द्वारा म्यांमार का दौरा भी किया जाएगा, ताकि वहां पर की जो वस्तु स्थिति है वो वहां पर जाकर करके देखे और उसके हिसाब से कोई भी कदम उठाए। तो विशेष दूत का म्यांमार में दौरा, ठीक है, ये पांच पॉइंट्स यहां पर कही गई थी। लेकिन म्यांमार के जो सैन्य शासक नेतृत्व करता है उन्होंने इन बिंदुओं को अपनाने से मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया। और इनमें से जो थर्ड नंबर था मानवीय सहायता के कंटेक्स्ट में, इसी को केवल महत्व दिया, यानी कि केवल ये कहा कि हम मानवीय सहायता की ही हम बात करेंगे, मानवीय सहायता आप दीजिए यहाँ के लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो चार आयाम थे, चार बिंदु थे, इसको इन्हें इसने म्यांमार के सैन्य शासन ने मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ तक कि जब विशेष दूत की नियुक्ति भी की गई तो फिर जब वे वहाँ पर दौरा पर गए भी, है ना, तो म्यांमार में जिस मकसद से वो गए थे, भाई आंग सान सू की को गिरफ्तार किया गया है वहाँ पर, जो बहुत बड़ी नेता मानी जाती है म्यांमार की, उनको जब गिरफ्तार किया गया और उनसे मिलने के लिए जब विशेष दूत गए यहाँ से, तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया, है ना। तो इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर म्यांमार के कंटेक्स्ट में सामने आ रही हैं। और इसी सब कारण से आसियान देशों के बीच में एक चिंता की स्थिति पनपी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस आसियान की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में यदि आप जानना चाहें तो आसियान में टोटल 10 देश हैं, है ना, और इन 10 देशों में म्यांमार भी एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर आता है, है ना। तो 10 देशों का यह संगठन है, ओके, 10 देशों का संगठन है। और इसको क्या कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्लियर। तो यहां पर इन देशों के बीच में इसी को लेकर करके एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि भाई म्यांमार में जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, निरंतर हिंसक गतिविधियां वहां पर चल रही हैं। हाल ही में वहां पर काचीन स्टेट एक है, काचीन क्षेत्र है, वहां पर हवाई हमले किए गए थे और तहस नहस किया गया, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ऐसी जो हिंसक कार्रवाइयां हो रही हैं इसके मद्देनजर क्या कुछ काम किया जा सकता है, क्या कुछ हमें विकल्प अपनाने की आवश्यकता है, है ना। तो अगले माह दोस्तों है क्या कि आसियान की वार्षिक बैठक होने वाली है, 11 से 13 नवंबर 2022 को बैठक होने वाली है। और इस बैठक के ही कंटेक्स्ट में एक चिंता उभर रही है कि भाई हम इस बैठक में किस हिसाब से हम म्यांमार के कंटेक्स्ट में बातचीत करेंगे। तो इसी के मद्देनजर यह एक स्पेशल मीटिंग का आयोजन किया गया और इसमें जो भी विदेश मंत्री थे आसियान देशों के उनको इसमें बुलाया गया था, पार्टिसिपेशन उन्होंने लिया था। हालांकि इसमें जाहिर सी बात है कि म्यांमार की तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधि तो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने मिल कर यह फैसला लिया, यह बात स्पष्ट तौर पर मानी कि हमें म्यांमार के कॉन्टेस्ट में कोई कंसेंसस को अपनाने की आवश्यकता है, एक आम सहमति, एक संयुक्त रूप से सहमति को अपनाने की आवश्यकता है, है ना। तो ऐसे में म्यांमार में जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है वह यहाँ पर सवालों के घेरे में आ जाती है कि उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें, क्लियर। आगे बात करते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। वार्षिक सम्मेलन से पहले म्यांमार के मामले में मध्यस्थता की यहाँ पर जरूरत बताई है इन सभी देशों ने, और इन्होंने ये भी कहा है कि हम मानवीय सहायता प्रदान करने में पीछे नहीं हटे, क्लियर। और आसियान से यह अपेक्षा भी की जा रही है कि यह कम से कम वहां के नागरिकों को जो भी उनके मानवाधिकार के रक्षा से संदर्भित कदम उठाए जाने चाहिए उसको वो अपनाए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन ने भी इस बात की अपेक्षा की है आसियान से कि यह इस तरीके से कोई कार्य करे
ताकि वहां के लोगों को जो जिन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उससे वो बाहर निकल सके। आगे बात करें तो आसियान के पास जो विकल्प एक है वह यह है कि म्यांमार को हम क्यों न बर्खास्त कर दें, ठीक है ना। एक विकल्प तो यह भी हो सकता है कि म्यांमार में सैन्य शासन है और इसके चलते आसियान को एक जवाबदेहिता बन रही है कि हम कैसे इस समस्या से निपट सके, तो ऐसे में हम क्यों ना म्यांमार को अपनी सदस्यता से हटा दें, इसको बर्खास्त कर दें, ठीक है ना। एक विकल्प तो यह हो सकता है, लेकिन आसियान देशों का यह कहना है कि ऐसे में हमारी जो अपनी एकता है, हमारी जो अपनी यूनिटी है, सॉलिडरिटी है, एकजुटता है, इसको इसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो सकता है और इस लिहाज से यहाँ पर यह जरूरी है कि हम इससे अच्छा जो विकल्प है उसको अपनाएं। और यह विकल्प यही है कि म्यांमार में जो शांति की प्रक्रिया है, शांति और राजनीतिक स्थिरता की जो प्रक्रिया है उसको हम अपनाने की कोशिश करें, है ना। इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि उदासीन रवैया आसियान की तरफ से अपनाया जा रहा है और साथ ही जो पश्चिमी देश हैं, है ना, पश्चिमी देशों की तरफ से भी इस मामले में एस सच कोई खास गतिविधि नहीं अपनाई गई है, है ना। पश्चिमी देशों के द्वारा भी, ठीक है ना। आसियान के तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एकमत नहीं हो रहे हैं, एकजुट नहीं हो रहे हैं। कुछ देश चाह रहे हैं कि नहीं, जो वर्तमान में वहां पर मिलिट्री जुनता है, सैन्य शासन है, उसी के साथ हम संबंध स्थापित करें, उसी को हम वरीयता दें। लेकिन कुछ ऐसे भी सदस्य देश हैं जो कि चाह रहे हैं कि नहीं, वहां पर लोकतांत्रिक सरकार की ही स्थापना होनी चाहिए। तो आसियान देशों के बीच में आपस में ही एक खींचतान की स्थिति देखी गई है। तो इसी के स्तर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम इस मामले में एकजुट होकर करके काम करें, क्लियर। आगे यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इस संदर्भ में रूस प्लस चीन, है ना, इन दोनों ने म्यांमार के संदर्भ में उदासीन रवैया नहीं अपनाया है, है ना, उदासीन रवैया नहीं अपनाया है। यहां पर यह आपको समझने की आवश्यकता है कि भाई रूस और चीन ने म्यांमार के कंटेक्स्ट में उदासीन रवैया अपनाने से मना कर दिया है और इन दोनों देशों ने म्यांमार को अलग अलग स्तरों पर साथ भी निभाया है, उसको कॉपरेट किया है, सहयोग भी दिया है और वहां के सैन्य शासन को इन्होंने विद्युत हथियार, है ना, इनसे उनकी सहायता भी की है और साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में तेल, है ना, तेल निर्यात से सहायता भी की है, ठीक है। चीन और म्यांमार के बीच में एक आर्थिक गलियारे की भी बातचीत चल रही है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सभी स्थितियां यहां पर हमें समझने की आवश्यकता है कि रूस और चीन के स्तर पर ये जो एक सपोर्ट किया जा रहा है म्यांमार के सैन्य शासन को, एक तरीके से म्यांमार में जो वर्तमान में स्थिति है उसको एज इट इज रखने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में यहाँ पर यह देखने की आवश्यकता है कि जो बाकी देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है या फिर संयुक्त राष्ट्र है, ये इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है दोस्तों कि हाल के समय में जो स्थिति है वो यही है कि इनके द्वारा उदासीन रवैया ही अपनाया गया है। इसके पीछे कुछ कारण ये भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में लंबे समय से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच में एक टकराहट की स्थिति बनी हुई रहती है कि नहीं। तो इन परिस्थितियों में म्यांमार को लेकर करके क्या स्टेप लिया जाना चाहिए, क्या कदम उठाया जाना चाहिए, इसको लेकर करके एज सच कोई सहमति नहीं बन पा रही है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। और इसी का फायदा यहाँ पर रूस और चीन के द्वारा यहाँ पर उठाया जा रहा है, क्योंकि रूस और चीन म्यांमार से ज्यादा दूर तो है नहीं, है ना, भौगोलिक दूरी इनकी कम है और ये चाहते हैं कि म्यांमार में जो वर्तमान में स्थिति है उसको हम कंटिन्यू कर सके। लेकिन इस बीच यहाँ पर ये विचारणीय है कि भाई भारत के संदर्भ में यह जो विषय है, यह विषय कितना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात तो यह है कि भारत के चार राज्यों की सीमाएं, है ना, चार राज्यों की सीमाएं यहाँ म्यांमार से टकराती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड तीसरा है मणिपुर
और चौथा है मिजोरम। ओके, मैंने जो शुरू में भी चर्चा भी की थी कि काचीन राज्य जो म्यांमार में एक महत्वपूर्ण राज्य है, काचीन राज्य, वहां पर एयर स्ट्राइक किया गया था म्यांमार के सैन्य शासन द्वारा, और जो काचीन राज्य है वो नागालैंड के कोहिमा से लगभग 400 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो समझिए कितनी नजदीकी है इन दोनों के बीच। दूसरी बात यह है कि जो मणिपुर और मिजोरम है इनकी सीमाएं बहुत अधिक नजदीक हो जाती है म्यांमार के साथ में। म्यांमार के चिन और सैगांग ये दोनों जो प्रांत हैं इनका बॉर्डर मिजोरम और मणिपुर से टकराता है। बात समझ में आ रही है? यहीं पर यह जो रखाइन प्रदेश है यहां से भी घुसपैठ की संभावना होती है, रोहिंग्या शरणार्थी यहां पर बड़ी संख्या में जाते हैं ना। तो ये स्थितियां यहां पर देखी जा रही हैं कि जब यहां पर घुसपैठ की स्थिति ज्यादा होती है तो ऐसे में यहां पर जो सामान्य तौर पर आर्थिक संसाधन है उसका दोहन बहुत बड़ी मात्रा में होने लगता है, और इससे इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट, विपरीत प्रभाव किस पर पड़ता है, यहाँ पर जो सामान्य शासन व्यवस्था है उस पर इसका एक नकारात्मक असर देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हमें ये समझनी है कि चूंकि ये उत्तर पूर्वी के राज्य हैं और इस लिहाज से भारत अपने इन राज्यों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी म्यांमार के साथ में संबंध को एक कॉन्टिन्यूटी बनाने की कोशिश कर रहा है, और वर्तमान में यहाँ के सैन्य शासन के साथ में वह तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। तो भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व दे रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व दे रहा है। ठीक है, तीसरी बात यहां पर यह है कि जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है भारत के, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब यह हुआ दोस्तों कि कालादान, ठीक है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है त्रिपक्षीय सड़क मार्ग। यह जो त्रिपक्षीय सड़क मार्ग है यह भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में इसका विस्तार किए जाने की बात चल रही है, लेकिन म्यांमार में जो वर्तमान में संकटपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स को कैसे कंटिन्यू करें, कैसे इनका निर्माण किया जाए, कैसे इस पर काम आगे बढ़ाया जाए, यह चिंता की बात यहाँ पर देखी जाती है ना। तो ये सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो एक बड़ी अड़चन भारत और म्यांमार के कंटेस्ट में है वह ये भी है कि दोनों के बीच में FMR है ना, FMR की व्यवस्था है। FMR का मतलब होता है प्री मूवमेंट रेजिम। ठीक है, प्री मूवमेंट रेजिम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि 16 किलोमीटर के दायरे में इनकी दोनों सीमाओं के बीच में, भारत और म्यांमार है ना, इन दोनों देशों के बीच जो सीमा है, इन दोनों की सीमाओं के बीच में जो 16 किलोमीटर का दायरा है, उस 16 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आवाजाही हो सकती है, केवल एक परमिट दिखाने की आवश्यकता होती है, और 2 सप्ताह तक कोई भी व्यक्ति यहां से वहां और यहां से यहां जाकर करके रह सकता है, लेकिन वह जो दायरा है केवल 16 किलोमीटर का है, और इसे क्या नाम दिया गया है, FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रिजिम। तो इसके कारण भी लोग यहाँ पर घुसपैठ आसानी से कर पाते हैं और वो वहां पर जाकर करके रहते हैं। जाहिर सी बात है कि घुसपैठ करने का बड़ा कारण यही है कि भाई यहाँ पर जब उनको अत्याचार का सामना करना पड़ा है यहाँ के सैन्य शासन के द्वारा, तो फिर वे ये जरूरी समझते हैं कि वे यहां से क्यों ना हम यहाँ चले जाएं, है ना, नजदीक में है ही, मिजोरम और मणिपुर जैसे जो राज्य हैं ये नजदीक में है ही, तो ऐसे में ये ज्यादा बेहतर समझते हैं कि यहाँ पर चले जाएं। लेकिन ऐसे में अब भारत और म्यांमार के जो वर्तमान में स्थिति है इसको भी समझने की आवश्यकता है कि इसको किस तरीके से आगे अंजाम दिया जाए। और इस बीच जो आसियान के देशों की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है
उसने भी इस बारे में चिंता जाहिर की है कि जो वहां पर सैन्य शासन है, लगातार यह सैन्य शासन का जो दौर बना हुआ है, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 1 फरवरी 2021 को वहां पर सैन्य शासन के तौर पर तख्ता पलट हुआ था, तो फिर यह कहा गया था कि हम एक साल तक तो लगातार और साथ ही 6-6 महीने पर हम इसका विस्तार करते रहेंगे और देन फिर हम एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए आम चुनाव करवाएंगे, है ना। तो एक साल से कहीं अधिक 6 महीना का विस्तार किया गया है और इसके बाद और अधिक 6 महीने का विस्तार किया जाएगा। तो एक आम तौर पर बात कही जा रही है कि अगस्त 2023 में वहां पर आम चुनाव की संभावना हो सकती है। और ऐसे में एक एंगल ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि म्यांमार में वर्तमान में जो सैन्य शासन है वो नहीं चाहता है कि वो जल्दी से आम चुनाव कराए और इसलिए वह लिंगर ऑन पॉलिसी को अपना रहा है, यानी कि वह इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में अपना कब्जा कंटिन्यू करना चाहता है ना। और ऐसे में इन सभी परिस्थितियों को मद्देनजर देखते हुए यह देखना होगा कि आगे आने वाली जो आसियान की बैठक है, उस बैठक में इस पूरे पहलू पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। आज की चर्चा में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में हमने इससे संदर्भित जो भी महत्वपूर्ण आयाम है उस पर बातचीत की है, क्या भारत की स्थिति है, भारत का क्या कुछ इसमें हित देखा जा रहा है, दूसरी ओर आसियान को किस कारण से चिंता की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और अन्य जो पक्ष हैं, रूस और चीन ने किस तरीके से म्यांमार में अपनी भूमिका निभाई है, अपना रोल अदा किया है, और अन्य जो पक्ष हैं पश्चिमी देशों की, इसमें क्या वर्तमान में भूमिका रही है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो आइए इस पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को देख लेते हैं। सवाल है, म्यांमार में विद्यमान सैन्य शासन ने आसियान को लंबे समय से चिंतित किया है, चर्चा कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि भारत के लिए म्यांमार की वर्तमान स्थिति का भू राजनैतिक दृष्टिकोण क्या है, है ना। तो इन सभी पहलुओं को समझते हुए इस प्रश्न का आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। आसियान को लंबे समय से क्यों चिंतित रखा है, पहले तो आपको यह बता देना है कि भाई म्यांमार आसियान का एक सदस्य देश है और वर्तमान में किस तरीके से आसियान इस पूरे मामले में कदम उठा रहा है और आगे क्या उसकी योजना है, इस पर आपको बात करनी है। और इसके अलावा भारत का म्यांमार के साथ में जो हित है उसको समझाते हुए और जो भू राजनैतिक दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको बताना है, है ना। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।